हेलो गाइस, माय नेम इज लखन एंड आई लव नेचर। दोस्तों, इस नेचर श्रृंखला के वीडियोस में एक और वीडियो आपके लिए लाया हूँ, जो वीडियो है एक ऐसे पिकॉक का जिसको देखकर लग रहा है कि इसके पैर नहीं है। बिना पैर का एक पिकॉक, काफ़ी देर तक हम इसको देखते रहते हैं और ये कई बार ऐसा लगता है कि जैसे उड़ने की कोशिश करेगा। यदि शायद पैर होते, ओह देखो 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 इसकी एक्टिंग देखो, या फिर ऐसा लगता है कि ये एक अपने पैरों से मिट्टी का गड्ढा करके मिट्टी को अपने ऊपर पैरों से उड़ेलने की कोशिश कर रहा है, यानी मिट्टी में नहाने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों इस पिकॉक को, लेकिन हमने ये देखना है कि क्या इसके पैर हैं या ये बिना पैर का मोर है। और बहुत सारे भाइयों के कमेंट के अनुसार हम आज कुछ कमेंट का जवाब देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमको पिकॉक के एग्स चाहिए। दोस्तों देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसा लग रहा है इसके नीचे एक दूसरा पिकॉक है। यस और नो पता नहीं, लेकिन देखो पीछे एक कुछ पोर्शन ऐसा लग रहा है। यार इसके पैर तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये अपने पैरों से गड्ढा खोद रहा हो जमीन में, मिट्टी में। और देखो अपनी चोंच से कुछ मिट्टी को भी खोद रहा हो। तो दोस्तों, जिन भाइयों ने पिकॉक का एग की डिमांड करी है और वो कहते हैं सर आपके फोन नंबर दीजिए, हमको पिकॉक के एग्स चाहिए, तो यार ये संभव नहीं है। एक्स बहुत है हमारे यहाँ, लेकिन संभव नहीं है भाई। ये राष्ट्रीय पक्षी है और जेल होने से हर किसी को डर लगता है। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई गैरकानूनी काम करना है। अब बहुत सारे वीडियो आपको नेट पे ऐसे मिलेंगे जो पिकॉक, जो ये पंख वाला नीला पिकॉक है, इसको अंडों के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है, जबकि दोस्तों वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मादा ही अंडे देती है और मादा ही अंडे सेती है। ये नील, ओह ओह अच्छा, इसके पैर है यार, ये मिट्टी में गड्ढा कर रहा है। आप देख सकते हो इसको, अपने पैरों से बहुत ज्यादा शायद गड्ढा कर रहा है और गड्ढे में अंदर जाने की, मिट्टी में अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि अपना घोंसला बना रहा है, नहीं, जमीन में ऐसा घोंसला वोसला पिकॉक नहीं बनाते कभी भी। ये जब अंडे देते हैं तो किसी ऐसी झाड़ी में देते हैं जहाँ इसको कोई शिकारी जानवर ना मार सके। मिट्टी में नहाता हुआ पिकॉक, ये सही है कि ये मिट्टी में ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी में नहा रहा हो। वाह वाह, पर टूट तो नहीं रहे इसके पैर, हो क्या रहा है इसको। दोस्तों मैं काफ़ी दूरी से इसको जूम करके फिल्मा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके पास खड़ा हूँ, जितना नज़दीक दिखा रखा है मैंने। लेकिन इतना तो है कि एक स्वस्थ पिकॉक है। ओए उसे देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है, पूरी तरह पैरों से सारी मिट्टी अपने पंखों में ऊपर डाल चुका है। राई में शायद चारों तरफ हरियाली है, गर्मी के मौसम में तो सोच भी सकते हैं पिकॉक पैरों से मिट्टी खोद खोद कर अपने शरीर के ऊपर फेंकता होगा, ठंड की वजह से हल्का सा ठंडक हो। ये देखो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके पैर नहीं है या फिर अपने पैरों से गड्ढा खोद के मिट्टी को अपने शरीर पर डाल रहा है? जो भी आप महसूस कर रहे हो, जो भी आप फील कर रहे हो, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखना।
थंबनेल चलो मैंने ऐसा दिखाया जिसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन हो, लेकिन वीडियो में कुछ रोचकता, कुछ अलगपन तो दिखाई दे रहा है दोस्त। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो का लाइक तो आपने कर ही दिया होगा दोस्तों, इस सुंदर पक्षी के लिए जो कैसे एक मिट्टी के गड्ढे में बैठकर या तो अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, या अगर इसके पैर हैं तो पैरों से गड्ढा कर करके मिट्टी को अपने ऊपर डाल रहा है।